Good morning students and my friends. Today I am making this video on the topic that is how to study during this corona pandemic. इस कोरोना महाकाल के या हम लोग कहें महाबीमारी के वक्त में किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके उसके बारे में आज मेरा ये वीडियो है. I will summarize my video under 7 points. The topic is how to study during corona. ये जो corona pandemic चल रहा है उसके दौरान कैसे पढ़ाई करनी है. There is an saying of an old Indian movie that show must go on. किसी के आने या जाने से दूसरों की लाइफ पे इफेक्ट जो है वो कुछ समय के लिए पड़ता है. किसी के आने या जाने से दूसरों की लाइफ नहीं रुकती. सेम वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि सिंस मार्च एंडिंग वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है. फिजिकली हम हमारे टीचर्स के साथ नहीं मिल पा रहे हैं. अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं. मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है कि कोई बीमार ना हो जाए घर वाला. अगर हो गया तो उसको कैसे फेस करेंगे. बट इट्स एन फैक्ट. दिस ऑल थिंग्स आर रियलिटी नाउ. दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी मस्ट एक्सेप्ट दिस और जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है. हम इस कोरोना को नहीं बदल सकते. इसकी वैक्सीन जब बनेगी तब बनेगी. बट हमें हमारी स्टडी पे फोकस करना होगा. अदरवाइज वी विल बी लैग बिहाइंड. अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. टुडे वी विल डिस्कस 7 points. 7 points फॉर इफेक्टिव स्टडी. 7 points फॉर इफेक्टिव स्टडी. फर्स्ट इज क्रिएट अ स्केड्यूल. The first and the most important thing is create a schedule. अभी हमारे इस समय में हो क्या रहा है. सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा schedule खराब हो चुका है. हमारा schedule खराब हो चुका है. Why? क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है. मर्जी आए जब उठो, मर्जी आए जब खाया, मर्जी आए तब सो गए, मर्जी आए तब टीवी देखा, मोबाइल देखा, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है. There is a saying from my teacher, a busy person is one which have the time for each and every activity. Busy आदमी वो है जिसके पास हर एक्टिविटी के लिए टाइम है. क्यों? क्योंकि उसने हर चीज को प्रॉपरली प्लान किया है. तो फर्स्ट थिंग एज ए स्टूडेंट और एज ए पर्सन यू हैव टू फिक्स इज क्रिएट ए स्केड्यूल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. कि मुझे इतनी बजे उठना है, मतलब उठना है. चाहे मुझे कोई काम नहीं है, मुझे किसी के नहीं जाना, मुझे कल क्लास के लिए नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, क्लासेस नहीं जाना है, बट मुझे मेरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा. कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 AM उठना है, मुझे 5 AM उठना है, तो मतलब उठना है. इफ यू स्टिक टू दिस पॉइंट योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. अगर आप इस पॉइंट पे फिक्स हो गए कि मैंने हर चीज का शेड्यूल बना रखा है कि मुझे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 1 घंटे घूमना है घर के अंदर ही, भले इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे टीवी देखनी है, इतनी बजे पढ़ाई करनी है, योर हाफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. अभी दिक्कत यही है क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है. तो मर्जी आए जब खा लो, मर्जी आए तब सो जाओ. बट अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है तो सबसे पहली चीज है क्रिएट ए स्केड्यूल. कि वॉट द टाइम आई विल यूज टू स्टडी, वॉट ए टाइम. लाइक अर्ली मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाई के लिए, तो मैं उस टाइम पढ़ाई करूंगा. तो सबसे पहली चीज है आपको करनी है कि अपना शेड्यूल बनाना है. दूसरी चीज है सेट स्मॉल डेली गोल्स. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में महल खड़ा नहीं होगा. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि आप सोचोगे कि जब ये खत्म हो जाएगा, मेरे नवंबर में एग्जाम आएंगे, मार्च में आएंगे, तब मैं पढ़ लूंगा. नहीं होगा बेटा. आपको स्मॉल गोल्स डेली के लिए बनाने पड़ेंगे. कि भैया मेरे पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, 12 chapters हैं इस सब्जेक्ट में, 5 subjects आई हैव टू स्टडी, तो मुझे फिक्स करना होगा
कि वीक में कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये स्केड्यूल बनाने के बाद मुझे डेली गोल सेट करने हैं कि मुझे डेली का 2 घंटे पढ़ना है, डेली का 1 घंटा पढ़ना है, मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है। अगर आपने गोल सेट किए, आपको उस पर स्टिक रहना होगा, तभी उन गोल्स को सेट करने का मीनिंग है। आपने स्केड्यूल बना लिया कि भैया मॉर्निंग 6 to 8 मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो उसके साथ मुझे ये भी सेट करना होगा कि मेरा आज का गोल है कि मुझे 2 चैप्टर फिनिश करने हैं और वो मुझे फिनिश करने हैं 8 बजे तक। नहीं पूरे हुए इसका ये मतलब नहीं कि मैं उठ के चल दूं, नहीं हुए तो मैं बैठूंगा, कब तक बैठूंगा, जब तक मेरा वो टॉपिक फिनिश ना हो जाए। ऐसा डेडिकेशन होना जरूरी है, तभी आपके उस शेड्यूल का, उन गोल्स का मीनिंग है। अगर आपने शेड्यूल्स और गोल्स को फॉलो नहीं किया, देयर इज नो मीनिंग बिहाइंड दैट। वैसे भी इट इज इन सेइंग दैट इंडियंस आर गुड प्लानर्स बट बैड एग्जीक्यूटिव्स। अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं मगर जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो अगर आपको इफेक्टिवली स्टडी करना है तो दूसरा पॉइंट है सेट स्मॉल डेली गोल्स। आपको डेली के गोल्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे आज के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो मुझे उसको कंप्लीट करना है। थर्ड थिंग दैट इज अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। अब डिस्ट्रक्शंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। इट कैन बी योर मोबाइल, इट कैन बी योर हैबिट ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, इट कैन बी योर हैबिट, ठीक है, ऑफ ईटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज नथिंग वी आर डूइंग राइट नाउ। खाली बैठे हैं, क्या करें, जब गए सब खा लिया, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रक्शंस को दूर रखना है। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वॉट आर द थिंग्स विच इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन योर स्टडी। आपको ये पहचानना होगा कि वो क्या चीजें हैं जो आपको आपकी पढ़ाई में रोक रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और उन डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने का एक मेरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि पढ़ाई करते वक्त आई यूज टू लिसन ए सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी सॉन्ग सुन रहा हूँ डांस वाले, नहीं, स्लो म्यूजिक। लगाया हेडफोन, लगाया ईयरफोन और मैंने सॉन्ग चालू कर दिया और पढ़ाई पे ध्यान लगाने लगा। क्यों? ताकि आसपास जो घट रहा है, छोटी मोटी वॉइस है, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है, उनको मैं अवॉइड कर सकूं। मानो मेरी बात, मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर आप कर सकते हो तो हियर ए म्यूजिक। सिर्फ आपको क्या सुनना है, लिरिक्स नहीं, सिर्फ म्यूजिक, स्लो म्यूजिक सुनना है, ताकि वो भी आपको हेल्प करेगा अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में, ठीक है। फोर्थ इज कम्युनिकेट टू अदर्स, कम्युनिकेट विथ अदर्स एट होम अबाउट योर स्टडी टाइम। भैया घर पे बैठे हैं तो घर वाले भी 17 काम बताएंगे कि फ्री तो बैठा ये काम कर ले, ये कर ले, उन वो काम कर ले। तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपको अपने घर वालों को बताना है कि भैया मेरा ये टाइम है, इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगी, मुझे इस टाइम में डिस्टर्ब ना करें। कोई दूसरा काम है, घर का काम करना पड़ेगा। यू आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली, ऑल आर लिविंग इन अ फैमिली, यू हैव टू बी अ फैमिली मेंबर, हेल्प योर फैमिली इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ योर होम। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फैमिली को बताना है कि मेरा ये टाइम है, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, ताकि वो आपको उस टाइम पे डिस्टर्ब ना करें। फिफ्थ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। भैया हमारा मानव स्वभाव ही ऐसा है क्या, वी विल डू ओनली थिंग्स वेन वी गेट समथिंग इन रिटर्न। हम कोई काम तभी करते हैं जब हमें उसमें कुछ मिले। तो अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो कि भैया आज मैंने सेट किया है कि 2 घंटे पढ़ना है और ये चैप्टर फिनिश करना है। अगर मैंने कर लिया तो मैं आधा घंटा टीवी ज़्यादा देखूंगा, आधा घंटा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करूंगा, 1 घंटा मूवीज देखूंगा। अपने आप को रिवॉर्ड दो, छोटे छोटे से रिवॉर्ड दो, ताकि मोटिवेशन आपको मिले।
इट इज नॉट नेसेसरी कि रिवॉर्ड कोई दूसरा आके दे. आप अपने लिए रिवॉर्ड डिसाइड करो कि इफ आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन दिस टाइम, मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड करूंगा. क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आपको कुछ अच्छा मिलेगा तो आप उस काम को करने के लिए और अच्छे से कोशिश करोगे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है क्या बेटा, मेंटेन योर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है, मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है. फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है तो घर पे आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो. घर पे आपको शौक है डांस करने का तो आधा घंटा डांस करो. आपको मॉर्निंग वॉक का शौक है तो घर की छत पे जाकर घूमो. बट आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा. अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो गए तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा. आप लेथार्जिक फील करोगे, हर समय आलस आएगा, हर समय बिस्तर नजर आएगा कि सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लेता हूँ. अगर आपने अपनी फिजिक को ठीक रखना है, फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है, तो अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा. चाहे उसके लिए आपको खाली घूमना पड़े, घूमो. डांस करने का शौक है करो, एक्सरसाइज करने का शौक है करो, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो. मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग. अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखो. क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव थिंकिंग ने आपके माइंड को घेर लिया तो फिर आप उससे बाहर नहीं आ सकते. अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग. जब भी कोई बुरा विचार आने लगे तो अपने आप को दूसरी तरफ लेकर जाओ. अगर आप अपने आप को दूसरी जगह लेकर गए तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वापस सही जगह पे आ जाएगा. अगर एक बार नेगेटिव थिंग ने घेर लिया तो फिर उससे अवॉइड नहीं कर सकते. तो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर रखो. इफ यू बिलीव इन अ गॉड और नॉट बिलीव इन अ गॉड, करते हो चाहे नहीं करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मेरा मानकर, मेरी बात मानकर, आप सुबह के 5 मिनट जिसको भी आप मानते हो उसको डिवोट करो. 5 मिनट उनकी तस्वीर के सामने, 5 मिनट मंदिर में दीपक करो, अगरबत्ती करो, और वो नहीं कर सकते तो 5 मिनट खड़े हो उन भगवान के सामने, अपने आइडियाज को डिस्कस करो, अपनी स्केड्यूल को डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो. क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है अगर वो आप निकालोगे तो स्पेस क्रिएट होगा और वो स्पेस आपको पढ़ने में हेल्प करेगा. एंड लास्ट थिंग दैट यू हैव टू क्रिएट, that is stay connected. Due to this corona, आप अपने friend से, दूसरे family member से दूर हो गए हो, social distancing चल रही है, but इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे emotionally दूर हो जाओ. अपने आप को fix करो कि अपने friends के साथ मुझे मिलना है. Friends के साथ मिलना है कैसे, फिजिकली नहीं तो वर्चुअली. फिक्स कर लो सारे दोस्त मिलकर कि भैया आज शाम को इतनी बजे वी विल हैव ए वीडियो कॉल, वी विल चैट टुगेदर. आपको अपने साथ जुड़े रहना है लोगों के साथ. लोगों के साथ मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि आपको एक एनर्जी मिल सके. अगर आप वही 4 जने घर में हैं उनके बीच में रह रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं, तो आप नया नहीं कर पाओगे. अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहो, फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहो, उनसे आप बातचीत करोगे तो यू विल फील लाइट एंड दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल. सो दिस इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग कोरोना पैनडेमिक. आपको किस तरीके से पढ़ना है. और माइंड, इफ यू कीप दिस 7 पॉइंट इन योर माइंड, नॉट ओनली इन योर स्टडी बट इन योर वर्क लाइफ ऑल्सो यू विल इम्प्रूव. वॉट इज दिस 7 पॉइंट, क्रिएट अ स्केड्यूल. हर चीज का शेड्यूल बनाओ. उठना इतनी बजे है, खाना इतनी बजे है, तो आप अपने आप सारी चीजों के लिए समय निकालोगे. सेट स्मॉल डेली गोल्स. गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए कि भैया मैं तो एक दिन में सारी किताब पढ़ लूंगा, पॉसिबल नहीं है बेटा. सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. आइडेंटिफाई व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर स्टडीज. कम्युनिकेट विद अदर्स एट योर होम कि भैया इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, ताकि डिस्टर्ब ना करें. रिवॉर्ड योर सेल्फ. छोटे छोटे रिवॉर्ड दो अपने आप को. मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सबसे क्रूशल पॉइंट है. एंड लास्ट वन इज Stay connected with your friend and family members. I hope you will like the video. If you like, please subscribe my channel. I will try to put more videos like this to motivate you to study hard, work hard in your life, and share the video with others also. Thank you, everybody.